हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 3 करोड़ की लागत से बने लिगेसी बेस प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करते हुए हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू बनाए जाने के लिए बजट दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने के अभियान में हल्द्वानी में एक नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की और हल्द्वानी में आधुनिक कैथ लैब बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार राज्य की जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों में जुटी हुई है। ये ट्रीटमेंट प्लांट स्वच्छता की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। वहीं मेयर डॉक्टर जुगेन पाल सिंह रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी के लिए नई शुरुआत है, स्वच्छता के लिए एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मेयर जुगेन पाल सिंह रौतेला का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कर दिया है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज सभी शहरों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, निर्मल गंगा का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसमें गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी को स्वच्छ रूप में आगे बढ़ाया जाए, आगे भेजा जाए। हल्द्वानी शहर में अमृत योजना के अंतर्गत आज इस सीवरेज प्लांट का जो लोकार्पण हुआ है, इससे निश्चित रूप से हल्द्वानी शहर के स्वच्छता में, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से, यहाँ की सुविधा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा जो हल्द्वानी प्रमुख शहर है, उस शहर को ये योजना मिलने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जो आगे का अभियान है, हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के अंदर से माँ गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सभी स्वच्छ रूप में आगे जाएं। कई बड़ी घोषणाएं भी आज आपने की हैं, चाहे जू की हो या और दूसरी हो। यहाँ पर चूंकि पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह जरूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जनमानस को सभी प्रकार की दृष्टियों से, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको सुविधाएं यहाँ प्राप्त हों और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हों। 7 लाख से 32 लाख हो गई है। इसके लिए मैं अपनी बैनी सेनाओं की सभी बैनी विचारों से और उनके भावनाओं से हम